यीशु के अज़ीम बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। शुक्रगुजार हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के, कि जिसने आज सुबह हम सबको इकट्ठा किया कि हम खुदा उनके कलाम की बातों को सीख सके। आमीन। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि खुदा का कलाम रूह कुद्दस की तहरीक से लिखा गया है और इसको समझने के लिए इंसानी अकल नाकाफी है, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ये एक बेवकूफी है कि हम इंसानी अकल के साथ खुदा के कलाम को सीख सके। खुदा के कलाम को बयान करने के लिए, उसके कलाम को सीखने के लिए, उसके कलाम को जानने के लिए रूह उसकी तहरीक का होना जरूरी है। आमीन। आए चंद लम्हों के लिए सिर्फ रूह उसकी तहरीक को मांगे। हालेलुया। रब्बुल अफ़ाज बेरबर के खुदा, खुदा कद्दूस, खुदा सलूस, एलोहीम अदोनाए, तेरा शुक्र करता हूँ खुदा मुन खुदा के तूने आज फिर मुझ हकीर बंदा को खुदा मुन खुदा अपने कलाम के लिए, अपने कलाम को बयान करने के लिए खुदा मुन खुदा मौका फ्राहम किया। मैं तेरे रूह को उसकी तहरीक को चाहता हूँ। ब्लेस माइटी जीसस। अरे खुदा मुन खुदा मुझे सुनने वाले कान दे, कलीसिया को बरकत दे, हमें सुनने वाले कान दे खुदा, ना सिर्फ तेरे कलाम को सुने बल्कि कबूल करने वाला दिल दे ताकि तेरे गवाह ठहरे। यीशु के नाम से आमेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग यीशु में खुश खुरम है। आमीन। आपने खुदा के कलाम के लिए तालियां बजाई, आपने मेरे लिए तालियां बजाई, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। चलिए खुदा आपको बरकत दे। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने मेरे लिए तालियां बजाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने खुदा के कलाम के लिए तालियां बजाई, खुदा आपको बरकत दे। अब आप अपने लिए तालियां बजाए क्योंकि आप कुछ किस्मत लोग हैं, मुबारक है, और मैं आज सुबह आप सबको खुदा के घर के अंदर मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप उसके घर में आ सके। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज जिंदों की जमीन पर जिंदा नहीं, जो आलमे अरवा में उतर गए, जो मनो मट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन खुदा खुदा ने मुझे और आपको ये शर्फ बख्शा, ये फजल उसका हुआ कि हम उसके कलाम को सुनने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए उसके घर में हैं। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज सुबह हम बात करेंगे और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, वो है मसीह यीशु के जी उठने के बाद। जब मसीह यीशु जी उठा और उसने बहुत सारे सबूतों के साथ अपने आप को शागिर्दों के ऊपर, लोगों के ऊपर जाहिर किया कि मैं जी उठा हूं, और वो लोग जो घबरा गए थे, वो शगिर्द जो घबरा गए थे, जो छुप गए थे, जो अपने मकसद को भूल चुके थे, मसीह यीशु ने फिर से जाकर उन्हें उनका मकसद याद दिलाया कि तुम्हारा मकसद क्या है। तो आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे मसीह यीशु के जी उठने के बाद ईमानदारों की जिम्मेदारी। क्या सीखेंगे? मसीह यीशु के जी उठने के बाद ईमानदारों की जिम्मेदारी। एक ईमानदार की क्या जिम्मेदारी है जब वो इस बात पर ईमान ले आता है, जब वो इस हकीकत को जान जाता है कि मसीह यीशु मेरे लिए मुआ और मेरे लिए जिया है। आइए मेरे साथ निकालिए रसूल का अमाल, उसका सातवां बाब और उसकी 54 आयत से लेकर 60 आयत तक, बुक एक्ट चैप्टर 7 वर्स 54-60, और इसमें ये लिखा है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए
और उस पर तांत पीसने लगे। मगर उसने रूह को सेवामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की धरी तरफ खड़ा देख कर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े सौल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्टिफनेस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके जमाना लगा और ये कहकर सो गया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने में इसकी बरकत हो। जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था कि स्टिफनेस को जब संसार करने के लिए लेकर गए तो इससे पहले कि वो संसार किया जाता उसके संसार करने का सबब क्या था, ऐसा कौन सा जुर्म स्टिफनेस ने किया, ऐसी कौन सी बात स्टिफनेस ने कर दी कि लोग इस बात पर मजबूर हो गए कि अब इसको संसार कर दिया जाए। आपको याद होगा पिछले ही संडे हमने ईद क़यामतुल मसीह को मनाया और हर दिन खुदा के खादिम पास्टर अस्मत इस बात को कह रहे थे कि मसीही के लिए हर इतवार ईद क़यामतुल मसीह है, क्योंकि हमारा मौला जी एक दिन ही नहीं बल्कि अब्दुल आबाद हमारे गुनाहों के लिए मरा और फिर जिंदा रहेगा। अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, आमीन। तो मैं जब इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि क्या सबब हुआ जब मसीह यीशु मर गए और उन्हें कब्र में रखा गया। मत्ती की इंजील और उसका 27वां बाब उसकी 54 आयत में मसलूब करने वाले बादशाह के पास जाकर फरियाद करते हैं कि तू हमें पहरे वाले दे जो इस कब्र की क्या करे, हिफाजत करे। और हिफाजत करने का सबब यह है कि इस धोखेबाज ने, यीशु के बारे में वो कहते हैं कि इस धोखेबाज ने जब ये जीता था तो कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसके शागिर्द आए और इसकी लाश चुरा कर ले जाए और कहते कि यीशु जी उठा है। और खास बात जिसके अंदर थी वो ये है, कहता है कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वह मुर्दों में से जी उठा है और ये पिछला धोखा पहले से बुरा हो। वो मसीह यीशु के उन तमाम मुजज़ात को, उसकी सारी कुदरत को जो वो जीते जी उनके दरमियान करता था, उस कुदरत के साथ उनके दरमियान रह रहा था, उन सारी बातों को महज एक धोखे का नाम देते हैं कि ये सब कुछ धोखा था, ये एक फ्रॉड था। और उसका एक सबब यह भी था कि यहूदी दस्तूर के मुआफिक जब बच्चा 10 साल का होता था तो पहले दिन से लेकर 10 साल तक बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी जो थी वो मां की होती थी। मां मुकम्मल उसके जिम्मेदारी करती, देखभाल करती, उसको सिखाती, शरीयत बताती और 10 साल के बाद बच्चा मां की जिम्मेदारी से निकलकर बाप की जिम्मेदारी में चला जाता। फिर
तमाम जिम्मेदारी जो है वो बाप के सुपुर्द हो जाती और फिर उसके बाद जब बच्चा जवानी के अयाम में आता 20 साल की उम्र में जाता तो बच्चे को फील्ड वर्क दिया जाता था। क्या दिया जाता था? फील्ड वर्क दिया जाता था कि वो फील्ड में निकले और जाकर माहौल को हालात को सीखे। और मसीह यीशु का जो फील्ड वर्क था वो झील के किनारे था। इसलिए जब भी मसीह यीशु कोई मुजज़ा झील के ऊपर करते, जब वो पानी पर चले तो उनके लिए कोई हैरत का सबब ना बना। जब लोगों ने ये बात सुनी तो वो कहने लगे कि इस शख्स का फील्ड वर्क जो था वो पानियों के ऊपर था, इसलिए ये इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि पानियों को कैसे काबू में किया जा सकता है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यहां जाल डालो और बहुत सी मछलियां पकड़ी तो वो कहने लगे इसको पता था कि इस वक्त, क्योंकि इसका फील्ड वर्क जो है वो पानियों का है, तो मछलियां इस वक्त कहां पर होंगी और कितने गहरे में होंगी या कितने ऊंची होंगी। वो मसीह यीशु के इन मौजजात को जब वो आंधियों को थमा देता, जब वो पानियों पर चलता, जब वो पानियों को हुक्म देता, वो इसे महज एक इल्म का नाम देते कि इसके पास इल्म है। और उनकी नजर में मसीह यीशु का मसलूब होना, जी उठना एक धोखा बन गया। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने मसीह यीशु की कब्र के ऊपर एक बारीक पत्थर रख दिया और जब मसीह यीशु जी उठा तो जो पहरेदार थे उन्हें बहुत सा पैसा दिया। क्या किया? बहुत सा पैसा दिया। और उन्हें कहा कि तुम जाकर यह कह देना कि जब हम सोते थे तो उसके शिगिर्द आकर उसे चुरा ले गए और हम तुम्हें बचा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। और आज भी बहुत से लोग, बहुत सारे इकवाम इसी धोखे के अंदर जिंदगी बसर कर रही हैं कि मसीह यीशु नहीं जी उठा। और बहुत सारे मसीही जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, जो ईद क़यामत मसीह को सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी मुसलसल गुनाह में गुजर रही है, उनके लिए भी एक धोखा ही है। उनका मसीह यीशु भी अभी तक नहीं जी उठा। और इन्होंने जाकर इस बात का चर्चा कर दिया कि शिगिर्द आकर चुरा कर ले गए। खास बात जिस पर मैं अभी आपको लेकर आना चाहता हूं वो ये है कि मसीह यीशु के जी उठने के बाद जब वो जी उठा और उसने अपने आप को शिगिर्दों और लोगों के ऊपर जब जाहिर किया तो मकसद ये था कि इस धोखे को, इस माजरे को जिसको धोखे का नाम दिया जा रहा है, साबित किया जा सके कि ये एक हकीकत है। आमीन। अब हम इस बात पर गौर करेंगे क्या मैं और आप धोखे में हैं या जो धोखे में हैं उन्हें धोखे से निकालना है। अस्तित्वस को किस बात पर संसार किया गया, ये सारी जो स्टोरी मैंने सुनाई उसका मकसद ये था कि ये बात स्टीफनस ने उनके सामने बयान की। वो जिस माजरे को, जिस कुदरत को धोखे का नाम दे रहे थे, जिसे वो कह रहे थे कि ये धोखा है, शगिर्द लाश चुरा कर ले गए, मसीह नहीं जी उठा, स्टीफनस इस बात को बड़े जोश के साथ, बड़े रुकी तहरीक के साथ, बड़ी दलेरी के साथ यहूदियों में खड़ा होकर रूमी हुकूमत के सामने इस बात का बयान करता है कि यीशु कलाम मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है, वो जिंदा है और वो खुदा कादर मुतलिक बाप के दाहिने बैठा है। वो उसके उस कुदरत को, जिस कुदरत के साथ वो जी उठा था, जब उसने उसे बयान किया, जब उसने बताया, यानी कि उसने मसीह यीशु के जी उठने की खुशखबरी जब दी, ओ तो लिखा है कि वो उस पर क्या करने लगे, दांत पीसने लगे। उन्हें इस बात पर गुस्सा आया, वो गर्व से भर गए कि इस बात को छुपाने के लिए, इस बात को, इस काम को धोखे का नाम दिया, हमने बहुत सा पैसा
इसी बात को बता रहा है, इसकी जुबान बंद कर दी जाए, इसको मार दिया जाए। लेकिन मसीह यीशु के जी उठने का मकसद और जाहिर होने का मकसद ये था कि मैं और आप उसके जी उठने की खुशखबरी को बयान करें। ईमानदारों की जिम्मेदारी है कि यीशु के जी उठने के बाद इस बड़ी खुशखबरी को हर एक शख्स से बयान करें, उसके जी उठने का चर्चा करें और उसकी कुदरत को बयान करें, ख्वाह उसके लिए हमें जिंदगी ही से क्यों ना हाथ धोने पड़ जाए। और जब वो इस खुशखबरी को पेश कर रहा था, जब उस खुशखबरी को बता रहा था, तो लिखा है, मगर उसने रुकुस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल देखा। खुदा का जलाल देखने के लिए रुकुस से भरना बेहद जरूरी है। जब तक हमारी जिंदगियां रूह से खाली हैं, जब तक हम खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में काम करने की इजाजत नहीं देते, जब तक खुदा का रूह हम में नहीं आता, हम उसके जलाल को देख नहीं सकते। और यहां पर लिखा है उसने गौर से नजर की, जैसे ही उसने इस खुशखबरी को बयान किया, जैसे ही उसने इस हकीकत को लोगों के सामने बयान किया, वो रूह उससे भर गया और हर वो शख्स जो रूह को से भरा हुआ है वो मसीह यीशु के जी उठने की गवाही दे सकता है। वो लोग जो रूह को से भरे हुए नहीं हैं, वो लोग जो यीशु के जी उठने की गवाही नहीं देते, जो उसके मौजजात के उसके कुदरत की गवाही नहीं देते, यकीनन वो लोग रूह को से और उसकी कुदरत से बेबहरा है। जैसे ही इसने इस खुशखबरी को दिया, लिखा है वो रूह को से भर गया और उसके लिए आसमान खुल गया। जब हम उसके जी उठने की कुदरत को दलेरी के साथ बयान करते हैं, जब हम रूह से भर जाते हैं, तो आसमान हमारे लिए खुल जाता है। आमीन। उसके लिए आसमान खुला और वो जमीन पर खड़ा आसमान पर उसकी कुदरत को, उसके जलाल को देखता है और ना सिर्फ खुद देखता है बल्कि उन लोगों को जो उसके ऊपर दांत पीस रहे थे उन्हें दिखाता है, आओ जिसे तुम धोखे का नाम देते हो, जिसके बारे में तुम ये कहते हो नहीं वो जी नहीं उठा बल्कि शागिर्दों ने लाश चुराई और गायब किया है, वो देखो वो बाप के दाहिने खड़ा है, वो बाप के दाहिने खड़ा है और अपने जलाल में है, बाप बेटे में और बेटा बाप में जलाल पा रहा है। गौर से देखा, दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूं, मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए। आज गैर कौम में जब हम जाकर इस बात का चर्चा करें, यीशु के मसलूबियत के बारे में बताएं, तो यहां तक तो यकीन आता है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं, यहां तक यकीन आता है वो कुमारी से पैदा हुआ होगा, उसने मौजजात किए किए, वो सलीब पर चढ़ गया, वो जी उठा, नहीं ये गलत है, नबी होकर वो खुदा का कदूस होकर कैसे मसलूब हो सकता है, उसकी शक्ल का कोई और आ गया, कैसा धोखा दिया जाता है, उसकी शक्ल का कोई और आ गया। मैं बड़ा मुस्कुराता हूं इस बात पे, मैं कहता हूं फिर खुदा ही कहता होया जेड़ा अपने नबी नु बचाने से किसी की शक्ल बना के तो उन्होंने सूली चढ़ा दे तो फिर किसी को भी ना चढ़ा देना, फिर उसकी शक्ल बेटे की शक्ल शगिर्द को देकर शगिर्द को क्यों मसलूब करवाता है, फिर खुदा तो ना आया धोखेबाज होया तो उसको धोखे का नाम ही तो देते और अपने कान बंद कर लेते हैं, इस हकीकत को सुनना नहीं चाहते। और आज अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे मसीही, बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर भी, खानदानों के अंदर भी, जब मसीह के जी उठने की बारी आती है हमारी जिंदगियों के अंदर कि वो हमें भी अपने साथ जिंदा करे, हम अपने कान बंद कर लेते हैं। इससे मुराद ये है मसीह यीशु
इसलिए हुआ कि हम अपने गुनाहों से निजात पाए। क्या करें? तो अगर हम अपने गुनाहों से निजात नहीं पाते और निजात और तौबा के कलाम को कबूल नहीं करते तो उसके जी उठने का मकसद, उसका जी उठना, उसका मसलूब होना बेफायदा रहा। और जो नहीं कबूल करते उन्होंने क्या किया? फिर अपने कान बंद कर दिए। और लिखा है एक दिल होकर मुत्तफिक हो गए सब लोग इस बात पर। क्या हो गए? मुत्तफिक हो गए और उस पर झपटे ताकि उसको क्या करें? संसार करें। मैं यहां पर जब इस बात को पढ़ रहा था तो मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से और उसके रूह से भर गया कि जब उसको संसार करने के लिए लेकर गए और उसे संसार कर रहे थे, पत्थर जब उस पर बरसाए जा रहे थे, कोई पत्थर उसके सर पे लग रहा था, कोई पत्थर उसके मुंह पे लग रहा होगा, उसका सर फट चुका है, उसके दांत टूट रहे हैं, उसका नाक टूट गया है, उसके जिस्म की हड्डियां टूट रही हैं, छोटे बड़े पत्थर मुतवातर उसके ऊपर बरस रहे हैं। लेकिन खुदा का बंदा स्टेफनस खुदा के चिराग को देख रहा है। उसे ये पत्थर महसूस नहीं हो रहे क्योंकि उसकी निगाह मुसलसल खुले हुए आसमान की तरफ है और वो मुसलसल खुदा के जलाल को देख रहा है और अपने आप को उसके जलाल में दाखिल करने के लिए तैयार कर रहा है। मेरे अज़ीज़ो, क्या मैं और आप मसीह के जी उठने की गवाही स्तिफनस की तरह दे रहे हैं? क्या हम उसके जलाल को लोगों पर जाहिर कर रहे हैं? और लिखा है कि जब वो संसार किया जा रहा था और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि आए खुदावंद यीशु मेरी रूह को क्या कर, मेरी रूह को क्या कर। स्टीफनस की स्टोरी के अंदर जब वो संसार करने लगी, उसे संसार करना शुरू हुआ है तो वो क्या कर रहा था? दुआ। क्या कर रहा था? और जब वो जान देने लगा, मरने लगा, तो तब भी उसने क्या की है? यानी कि वो सलसल दुआ में है, उसका तसलसल नहीं टूट रहा, वो दुआ के अंदर है। तो मैं जब इन अल्फाज पर गौर करता हूं तो मैं इस नतीजे तक पहुंचा अपनी इस नाकस अकल से कि यकीनन खुदा का बंदा स्तफनस सलीब की कुदरत से वाकिफ था। उसने सलीब के मंजर को अपनी आंखों से देखा था। कैसे? जब मसीह यीशु मसलूब किए गए तो उन्होंने पहला लफ्ज सलीब पर क्या कहा? आए बाप। सलीब पर पहला लफ्ज था आए बाप। उन्होंने बाप को मुखातिब करके अपने सलीबी कलमात का गुफ्तगू का आगाज किया बाप से और इख्तिताम नहीं। गौर ना पड़े आप छोटा जो है वही नहीं पूरा पढ़ गए एहतमाम वाला केड़ा है। चलो कोई बात नहीं। उसने कहा आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। इब्तदा भी बाप के नाम ही से करता है और इख्तिताम भी बाप ही के नाम से करता है। बाकी कलमों में कहीं वो बाप का जिक्र नहीं करता और यही काम स्तिफनस यहां करता हुआ नजर आता है कि वो इब्तदा भी खुदा के नाम से करता है, बाप के नाम से दुआ करता है और इख्तिताम उन्हीं अल्फाज के साथ करता है जो उसने सलीब के ऊपर सुने थे। बाप इनको मुआफ कर। और सिर्फ फर्क इतना हुआ कि वो लफ्ज जो मसीह यीशु ने आखिर में अदा किए ये पहले अदा करता है और जो यीशु ने पहले अदा किए वो उन्हें आखिर में अदा करता है। अब फिर हम देखते हैं कि उसने कहा आए खुदावंद यीशु मेरी रूह को क्या कर। वही रूह कबूल होगी जिस रूह के साथ खुदा का रूह मिलकर दुआ करता है
خوشخبری کو پھیلاتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے, یہودی دستور کے اندر جب مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں اور جب کوئی بھی اپنے بستر پر یہودی جا کر سونے کی تیاری کرتا تو آنکھیں بند کرنے سے پہلے ان الفاظ کو دہراتا کہ اے الوہیم ادونائے, اے خدا قدوس, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور پھر وہ سوتے ہیں, وہ اپنی روح کو خدا کے سپرد کر کے سوتے ہیں. اور اس بات کو بھی یہ شخص بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ الفاظ اس لیے بیان کیے ہیں کیونکہ یہ صلیب کی قدرت کو جانتا ہے, صلیب کے ان الفاظ کو جن کے اندر زندگی چھپی ہے, ان الفاظ کو جن کے اندر قدرت بھری ہے, وہ ان الفاظ سے بھرا ہوا ہے. اور لکھا ہے اس نے جب کہا میں اپنی روح, اے خداوند میری روح کو قبول کر, کیا ہم میں سے ہر شخص خدا کے حضور یہ کہہ سکتا ہے کہ خداوند میری روح کو قبول کر, کیا میری روح, کیا میں اس لائق ہوں کہ میں اسے کہوں کہ میری روح قبول کر؟ آپ میں سے کوئی ایسا شخص, میرے ہاتھ میں ایک طرف ہیرا ہے اور ایک طرف کوئلہ, کیا جی, ایک طرف ہیرا ہے اور ایک طرف کوئلہ ہے, اور میں آپ کے پاس آ کر پیش کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے کیا لینا پسند کریں گے. میرا خیال ہے میں آپ کو کوئلہ دیتا ہوں. پھر ہیرا بکنا کو نہیں, کوئلے دی اخبار دے کی لینا چاہتے ہیں؟ ہیرا. ہاں جی, بہنوں میں سے کیا لینا پسند کریں گی؟ جو لو بھی جو بھی کام دیش ہے والے. ہاں جی, کیا لینا پسند کریں گی؟ ٹائم میرے پاس صرف 8-7 منٹ رہ گئے ہیں. جی دونوں لے لیں گے, چلو یہ بھی ٹھیک ہے. کہا گیا کہ میں ہیرا لینا پسند کروں گا, کہ مجھے ہیرا چاہیے, یعنی کہ اچھی چیز, ناقص چیز نہیں لینی, اچھی چیز اپنے پاس رکھنا پسند کروں گا. تو میرا اور آپ کا خدا جو ہے ہی اچھائی کا خدا, کیا وہ نالائق روحوں کو, گنہگار روحوں کو اپنے پاس رکھ لے گا؟ وہ اسی روح کو قبول کرے گا جو روح ہیرے کی مانند ہوگی. ایک ایسی روح, ایک ایسی دلہن, ایک ایسی کلیسیا جس میں نہ داغ, نہ دھبا اور نہ جلی ہوگی, وہ اسے ہی قبول کرے گا. جائیں گے تو سبھی مجھے لے, مجھے لے, منڈی میں جاؤ آوازیں بڑی آتی ہیں, میرا مال اچھا. باپ بھی انہی روحوں کو قبول کرے گا جو بھرے کے لہو سے دھلی اور اس کی گواہی دیتے ہیں. اور اس کا ثبوت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جب اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دی. تو اس سے پہلے وہ مسیح یسو کو خدا کا در مطلق باپ کی دہنی طرف کیسے کیسے دیکھتا ہے؟ لکھا ہے کھڑا ہوا دیکھتا ہے. کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے دہنی طرف جا کر بیٹھ گیا, مسیح یسو باپ کے دہنے جا کر بیٹھا ہے, لیکن ایسی روحوں کو, ایسی زندگیوں کو جو اس کی گواہی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, ایسی روحیں جو یسوع کی خوشخبری سنانے کے لیے, اس کے جی اٹھنے کے پیغام کو سنانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے, اسے قبول کرتے ہیں, وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کتنی ہی خوش آئیں یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہو, کتنے آنر کی بات ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہے. آج میرے عزیزو, ہر ایک ایماندار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. ہر ایک ایماندار کی زندگی کے اندر, ہر مسیحی کی زندگی کے اندر اس کا بیٹا جلال پائے اور وہ اس کی گواہی کو بیان کر سکے. اور جو کوئی اس کی گواہی کو
उसके इस पैगाम को लेकर लोगों तक जाएगा, वो उसके जलाल में दाखिल होगा। लिखा है यूहन्ना के अंजील उसके 15वें बाब की 8वीं आयत के अंदर, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हर शागिर्द का ये काम है कि वो मसीह यीशु के नाम को, वो बाप के नाम को जलाल दे और उसके लिए बहुत सा फल पैदा करे, और फल ये है कि बहुत सारी जिंदगियों को अपने पास ले आए। एक स्टोरी बयान करूंगा और उसके बाद फिर हम दुआ की तरफ लौटेंगे। ये खुशखबरी सुनाना किस कदर जरूरी और अहम है। एक शख्स था, उसने मसीह यीशु को कबूल किया। एक फैक्ट्री में काम करता था और जब उसने मसीह यीशु को कबूल किया जिस रात, तो सुबह आया और आकर उसने अपने कलीग से बड़े जोश के साथ बयान किया और कहने लगा कि मैंने मसीह यीशु को कबूल किया है। रात में कन्वेंशन के अंदर था और जब मैंने यीशु को कबूल किया है, एक अजीब सी खुशी मेरे अंदर है और इतनी खुशी कि मैं भूले नहीं समा पा रहा। मेरा बदन हल्का हो चुका है और मैं खुदा के जलाल में दाखिल हो जाऊंगा। अब मेरे लिए सजा का हुक्म नहीं रहा, अब मैं निजात पा चुका हूं। वो हर किसी से ये बात कर रहा था। उसके कलीग ने उसे कहा, यार कहीं दमा काम कर लिया तू, ये जो सारी बातें तू बयान कर रहा है, आज से 10 साल पहले मैंने भी तौबा की थी, मैंने भी मसीह को कबूल किया था। उसने कहा कितने साल पहले? कहता 10 साल पहले। कहता मुझे और तुझे काम करते कितना अर्सा हो गया? कहता 11-12 साल हो गए हैं। कहता तो कैसा बदकिस्मत शख्स है, मुझे तुझ पर अफसोस होता है कि 10 साल तुम इस बात को मेरे से छुपाता रहा कि तू यीशु को कबूल कर चुका है। काश कि तू पहले इस बात को मेरे से बयान करता तो मैं 10 साल अपनी जिंदगी के जाया ना करता। और जो खुशी, जो मसरत, जो तसल्ली, जो शादमानी मुझे आज मिल रही है, 10 साल पहले मिल चुकी होती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप भी ऐसा ही कर रहे हैं? निजात पाने के बाद अपने यीशु को सिर्फ अपने अंदर ही रखेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब मसीह यीशु ने चलाकर जान दी तो बहुत सारी कब्रों के मुंह खुल गए और मुकद्दसीन जो सो गए थे जी उठे, और मसीह यीशु के जी उठने के बाद शहर में गए। कब? मैं कल अपनी मिसेस से भी ये बात कर रहा था कि जी उठने के बाद हो गए, तो जी तो तभी उठे थे जब यीशु ने चलाकर जान दी, तो इतनी देर तक वो किथे रहे? मेरी मिसेस कहती है उतने खुदा को डर गए होने, क्योंकि वो कमरे भी कमरा नुमा होती थी, वो इंतजार करते रहे यीशु के जी उठने का, क्योंकि उन्हें पता था यीशु के जान देने पर तो हम जी उठे हैं और शहर जाके की गवाही दी है। जब वो जी उठा तो वो शहर में गए और जाकर उन्होंने इस हकीकत को बयान किया कि जो जी उठा है हम भी उसके साथ जी उठे हैं। तो आप जिन्होंने यीशु को कबूल किया है, आप भी उसमें जी उठे हैं। तो जब आप जी उठे हैं तो क्या जरूरी नहीं कि शहर में जाकर इस बात की गवाही दें जैसे उस सामरी औरत ने दी? क्या वो चुप रही जैसे उस अंधे ने दी? कहता मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कौन नहीं, हाँ इतना जरूर जानता हूं कि पहले अंधा था और अब छुपा लिया। मैं और आप क्या कर रहे हैं? मसीह यीशु के जी उठने के बाद हम जिन्होंने उसे कबूल किया, हम ईमानदारों की यह जिम्मेदारी है कि हमें जाना है और जाकर उसके जी उठने की गवाही देनी है। और हर उस शख्स के लिए जो अपने अंदर इस बात का कसद करता है, इरादा रखता है कि मैं जाऊंगा और उसके अंजील की, उसके जी उठने की खुशखबरी बयान करूंगा, उनके लिए यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 24वीं आयत में मसीह यीशु बाप के साथ बात करते हुए ऐसे लोगों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, ऐ बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो। जब मैं जलाल पाऊं तो ये मेरे साथ जलाल पाएं,
इसलिए कि मैंने तेरी मर्जी को पूरा किया और इन्होंने मेरी मर्जी को पूरा किया। जब मैं तुझ में जलाल पाता हूँ तो ये मुझ में जलाल पाए, और जहां मैं हूं ये मेरे साथ वहां रहे। जब मैं जी उठा हूं, जब मैंने मौत पर कब्र पर फतह पाई है, तो ये मरने ना पाए, ये भी फतह पाए और फतह का शादियाना बजाते हुए मुझ में जिए और मेरे साथ बाद के चराग में दाखिल हो। आमीन। अब लिखा है ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से बेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। बाप ने बेटे के साथ मोहब्बत रखी और बेटे ने बाप के साथ मोहब्बत रखी है, और ये इस मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब जो उसे कबूल करते हैं, जो उसमें जिंदगी बसर करते हैं, मसीह यीशु में अब लोबाद जिंदा रहेंगे, उसके जलाल में दाखिल होंगे और उसके तख्त पर बैठकर गुमनाम साफ। आज मेरे अजीजों अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने आप को उसके जलाल के लिए तैयार करें और उसकी खुशखबरी को फैलाने के लिए अपने कदम उठाएं, और हर उस शख्स को जो आपके साथ वास्ता रखता है, हर उस शख्स को जिसके साथ आप रहते हैं, आप ड्यूटी पर हो या आप कहां पर भी हो, आप इस गवाही के लिए शर्माए नहीं। खुदा का बंदा कहता है मैं अंजील से शर्माता हूं, और आपको भी शर्माना नहीं। अगर आप शर्माएंगे तो उसके जवाब में कर पाएंगे। और हर एक शख्स अपनी जिंदगी पर गौर करे। अशुभ आपके पास एक खूबसूरत मौका है इस बात को जानने के लिए, क्या मैं अपनी रूह उसके हाथों में सौंप चुका हूं, क्या मैं स्टेफनस की तरह गवाही दे रहा हूं।